इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो एक अजीब से कमरे में कैद होता है और वो कमरा छोटे छोटे कमरों से जुड़ा होता है। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो एक दरवाजा खोलकर लाल रंग के कमरे में चला जाता है, जहाँ पैर रखते ही कई सारे नुकीले चीजों ने उसके ऊपर वार कर दिया। उधर मेविची और सिंजी नाम के लड़कों के साथ जो आरो नाम का एक बच्चा भी ऐसे ही कमरे में कैद था, पर उनमें से किसी को भी याद नहीं था कि वो इस कमरे में कैसे आए। तभी अचानक वो देखते हैं कि उस कमरे में जूता आकर गिरता है, जो कि हिरोशी नाम के एक आदमी का था। वो कमरे में जूता फेंक कर खतरे का पता लगा रहा था। तभी जिसके बाद हम असाका नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जिसके बाद हिरोशी छत पर बने दरवाजे को खोलने लगता है, जिसके खुलते ही उसमें से एक लाश आकर गिरती है, जो कि उसी आदमी की थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। लाश देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सिंची डर के मारे दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर भागने लगता है, लेकिन हिरोशी आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद कमरे में उसके जूता फेंकने के साथ ही उसमें आग लग जाती है। अब हिरोशी उन्हें बताता है कि कुछ कमरों के अंदर जानलेवा जाल बिछाए हुए हैं, जो अलग अलग सेंसर के मदद से उन पर हमला करते हैं। हिरोशी की बात सुनने के बाद सभी ने पहले जूता फेंक कर कमरे को पार करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही एक कमरे में उनकी मुलाकात काजुनामा नाम के एक आदमी से होती है, जो खुद को एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बता रहा था। वही उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसकी कंपनी की तरफ से उसे बचाने आए हैं, लेकिन जब वो लोग उसे सच बताते हैं तो उसकी उम्मीद टूट जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो लोग कमरे को पार करने लगते हैं। इसी बीच उनकी नजर 3 नंबरों पर पड़ती है, जो कि हर कमरे की दीवार पर थे। इसके बाद अगले कमरे की जाँच का काम युविची को दिया जाता है, जो कि जूते को गिरा कर चेक करता है, जिसके बाद जब सभी उस कमरे में जाते हैं तो उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वही उसके साथ ही वहाँ की लाइट भी चली जाती है और छत से लगा एक ब्लेड तेजी से घूमता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। दरअसल युविची ने जूता तो फेंका था, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही उसने ऊपर खींच लिया था। अब उस पंखे को देखते ही वो सभी बाकी दरवाजों को खोलना शुरू कर देते हैं, पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता, और इसीलिए उन्हें नीचे बने दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर युविची उस पंखे को देखकर सुन पड़ गया था, वो चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रहा था, पर मौके से हिरोशी आकर उसे कमरे से बाहर निकाल लेता है। वहीं वहां से निकलकर हिरोशी युविची पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उन सभी की जान भी जा सकती थी। उधर चोवारो दरवाजे पर लिखे नंबरों की मदद से कुछ कैलकुलेशन करने लगता है, और थोड़ी मेहनत के बाद वो समझ जाता है कि सभी जाल वाले रूम प्राइम नंबर थे। ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें सिर्फ खुद से डिवाइड किया जा सकता था। वहीं अब उसकी जांच के बाद युविची बिना कुछ सोचे एक दूसरे कमरे में घुस जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि चुहारा का अंदाजा बिल्कुल सही था। अब वो लोग इसी चीज का फायदा उठाकर फटाफट कमरे पार करते जा रहे थे, लेकिन फिर थोड़े समय बाद ही उनके पास एक भी ऐसा कमरा नहीं था जिस पर प्राइम नंबर ना हो। अब उनके चारों तरफ जाल वाले कमरे ही थे, इसलिए असाका ने उन्हें वापस पिछले वाले कमरे में जाने का सुझाव दिया, पर बदकिस्मती से उस कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था, इसलिए अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घबराहट के मारे काजुमा चुहारों पर गुस्सा करने लगता है, और इसी बीच हिरोशी ने पता लगाया कि उनमें से एक कमरा ऐसा भी था जिसका जाल आवाज से एक्टिवेट होता था, और उन्हें उस कमरे को चुपचाप पार करना होगा, क्योंकि जरा सा भी आवाज से उन सबकी जान तक जा सकती है। इसके बाद उन सभी ने एक साथ उस कमरे को पार करना शुरू कर दिया, और गलती से सिंजी के हाथ से उसका जूता छूट जाता है, जिसकी आवाज से सभी सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी लेजर उनके ऊपर हमला कर देती है। इन लेजरों से काजुमा जलते जलते बचा, उसे किसी तरह बाकियों ने समय रहते दूसरे कमरे में खींच लिया। काजुमा जिंदा तो बच गया, पर उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, और इसीलिए वो सिंजी के ऊपर चिल्लाने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद चुवारों ने उन सभी को एक क्यूब दिखाया, जिसकी वजह से उसने उन सभी को समझाया कि ये सारे कमरे एक क्यूब में बने हुए हैं, और शायद ये घूम भी रहा है, और इसी के साथ वो भी इसमें घूम रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें इस क्यूब के कोने का रास्ता ढूंढना होगा, जहाँ से शायद वो बाहर निकल सकेंगे। पर तभी अचानक उस कमरे में जहरीली गैस फैलने लगती है, जिस वजह से उन्हें दूसरे कमरे की तरफ भागना पड़ा। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर प्राइम नंबर ना होने के बावजूद भी उस कमरे में जाल कैसे बिछा हुआ था, पर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर अगले कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर उस पहले वाले आदमी की लाश पर पड़ती है, इसका मतलब था कि वो लोग वापस घूमकर उसी कमरे में पहुंच गए थे। पर सिंजी इस बात से सहमत नहीं था, उसका मानना था कि कमरों के घूमने की वजह से ये लाश लुढ़क कर यहाँ आ गई है। वहीं हिरोशी उन सभी को समझाते हुए कहता है कि उन सभी के पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए उन्हें बिना रुके चलते रहना चाहिए। उसी वक्त अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है, जिससे चुवारो एक ट्रैप मूव में गिर जाता है, जो देखकर युविची उसे निकालने के लिए कमरे में कूद जाता है। वो लोग कुछ लेजरों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो लेजर उन पर हमला करने लगती है, जिस बीच हिरोशी उन्हें वहां से तो निकाल लेता है, पर वो खुद लेजर का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर जहां सभी लोग हिरोशी की मौत का दुख मना रहे थे, तो वहीं युविची कुछ कैलकुलेशन करने में लगा था, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो नंबर यहाँ से निकलने का सीक्रेट कोड था। जिसके बाद युविची उन सभी को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ आराम करते हुए काजुमा कहने लगता है कि ये सब उसके बुरे कर्मों का फल है। असल में उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को धोखा
धोखा दिया था और इसीलिए उसे ये सजा मिली है। पर तभी अचानक जमीन में से कुछ लोहे की सलाखें निकलकर उनके बीच आ जाती हैं, जिससे अब वो लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं, जिनमें से एक तरफ काजुमा और संजी थे, वही दूसरी तरफ असाका, युइची और चुहारो था। वो सब अब समझ चुके थे कि वो अब एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए काजुमा और संजी अपने बल पर आगे बढ़ने लगते हैं। वही वो तीनों भी दूसरे कमरे से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ एक कमरे में अचानक से उनके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, जिस पर युइची के बीते हुए कल की एक याद थी। असल में ये मेमोरी उस दिन की थी जब उसके छोटे भाई हिटोरो ने अपने पिता की पिटाई से तंग आकर सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था। उस दिन युइची ने अपने भाई का साथ देने की बजाय उसे चुपचाप देख रहा था, इसलिए हिरोटो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर आज भी वो डरता था। ये सब दोबारा देखकर युइची पूरी तरह से टूट जाता है, पर उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए सोचा कि वो चुहारो और असाका को किसी भी हालत में इस भूलभुलैया से बाहर निकाल रहेगा। उधर काजुमा लगातार सिंजू को कोसने में लगा हुआ था। असल में काजुमा को जवान लोगों से काफी परेशानी थी और इसीलिए वो हर बात पर उसे कोसता रहता। वहीं अब सिंजी का भी दिमाग खराब हो गया था। उसने काजुमा का ध्यान भटकाकर एक दरवाजे की मदद से उसे मार डाला। उधर चुहारो की नजरों में युइची अपने भाई को न बचाने की वजह से एक कायर बन गया था। असल में चुहारो के घर पे भी उसके साथ हिरोतो जैसा ही बर्ताव होता था और इस सब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और अब उसने भी एक कमरे में जाकर अपनी सारी परेशानी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन ऐन वक्त पर युइची ने उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा ली, और इसी बीच उसकी नजर चुहारो के हाथ पर पड़ जाती है। इस पर काफी गहरे जख्म थे और उसे देखते ही वो चुहारो की हालत समझ जाता है। इसी बीच असाका उन्हें बताती है कि वो लोग किनारे पे पहुंच गए हैं। दरवाजे से बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि असल में बहुत सारे कमरे एक बिल्डिंग की तरह बने हुए हैं, जिनके नीचे वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा बना हुआ था। साथ ही उनकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जो एक लिफ्ट का काम कर रही थी और वो इसी कमरे की मदद से बाहर निकल सकते थे। युइची ने तुरंत ही कैलकुलेशन करके एक प्लान बनाया, जिसके बाद वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात सिंजो से होती है। पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके कपड़े पर खून लगा हुआ देखकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं। वहीं सिंजो ने भी झूठ बोल दिया कि काजुमा की मौत एक ट्रैप में फंसने से हुई थी। खैर, इसके बाद वो सभी एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी सिंजी उन सभी को एक ट्रैप कमरे में ले जाकर अपना गुनाह कबूल करने लगता है, जो सुनकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सिंजी युइची पर हमला कर देता है। असल में सिंजी पहले एक दुकान पर काम करता था, जहाँ उसके सही से काम न कर पाने पर लोग उसे काफी ज्यादा डांटते थे, और तभी से उसके अंदर ये गुस्सा भर गया था, और इसीलिए उसने काजुमा को भी मार दिया था, क्योंकि वो हर बात पर उस पर चिल्लाता रहता था। इसीलिए अब उन तीनों को मानना चाहता था। अब सिंची युइची का गला दबाने लगता है, तभी युइची को अपने भाई की याद आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे देता है, जिससे ट्रैप रूम में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वही युइची खुद को कुर्बान करते हुए चुहारो और असाका दोनों को सही सलामत दूसरे कमरे में भेज देता है। इसके बाद चुहारो और असाका रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, जो उन्हें आखिरकार बाहर के दरवाजे तक ले गया। पर असाका ने चुहारो को आगे भेजकर खुद वहीं रुककर बाकी लोगों का इंतजार करने का फैसला किया। वो सोच रही थी कि अगर वो सभी यहाँ पर कैद थे तो और भी लोग यहाँ पे कैद होंगे। वो चाहती थी कि वो बाकी सभी को भी यहाँ से बचाकर निकाल सके। खैर, इसके बाद चुहारो एक रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। उधर युइची को बहुत सारी चोटें आई हुई थी, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और वो अभी भी उस भूलभुलैया से बाहर निकलना चाहता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि असाका असल में एक हाईटेक रोबोट थी, जो अलग तरह के लोगों को उस भूलभुलैया में डालकर टेस्ट करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि असाका एक बार फिर से उस भूलभुलैया में कैद लोगों से मिलती है, और इसी के साथ ये मौत का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है।